टाइम लगा मात्र दो से तीन मिनट के अंदर मटर पनीर बन के रेडी हो चुका। लाइव किचन है और लाइव किचन में हो रहा मटर पनीर तैयार। जिस तरह से हम लोग ये वीडियो में देख रहे हैं ना, उस तरह से आप भी आके यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ से आपको फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है। आते हैं और तुरंत ही 15 मिनट के अंदर 10 मिनट में दे दो तो दे दिया, पर वो टेस्ट भी करता है, जो फ्रेश आइटम का टेस्ट होता है वही बेस्ट रहता है। अच्छा मसाला पकौड़े पनीर भी आता है? पनीर रहता है, पनीर रहता है, चीज़ रहता है, जो अनियन रहता है, लेकिन ये पनीर रहता है, पनीर है, सही है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। पीछे आप बैनर देख ही रहे होंगे, अमृतसर रेस्टोरेंट जो है नेशनल हाईवे गांधीधाम पर। और चलते हैं अंदर, देख लाइव किचन के बारे में जानेंगे और किस तरह से है, और ये भाई से पूरी बात करेंगे। चलती है देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ का किचन है जो लाइव है। कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए कैसे? हाँ बस शांति भाई। रेस्टोरेंट है अमृतसर रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन, अच्छा खाते हैं इधर प्योर वेजिटेरियन। चलिए पहले ही हम लोग सबसे स्टार्ट करते हैं कि किचन से, जो लाइव किचन है। और लाइव किचन डायरेक्टली आपको मैं लाइव किचन दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये लाइव किचन देख ली किस तरह से, जैसे हम ऊपर से ही डायरेक्टली आप देख सकते हैं आपको कैसा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ भी। ये देखिए ऊपर से ही, ये है एंट्री यहाँ गेट की, और गेट के बाहर ही आपको किचन लाइव मिलेगा। और ये देखिए ये पूरा किचन है, एकदम साफ सुथरा हाइजेनिक। देखिए पूरा ये कटिंग हो रहा है, ये देखिए इस तरह से आप खुद भी आके यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से आपको खाना प्रोवाइड करा जा रहा है। देखिए ये है अमृतसर रेस्टोरेंट, अभी अभी स्टार्ट किया है, साल भर कितना हो गया होगा ना। अच्छा, और इसके पहले आपका दूसरा भी एक ढाबा था? देखिए इसमें ऐसा है कि पहले हमारा बाजू में अंदर होटल था वेज एंड नॉन वेज का, लेकिन इधर हमने प्योर वेजिटेरियन ओपनिंग किया है। इधर वहाँ से कुछ नहीं लाते हैं, क्योंकि कई कस्टमर को डाउट था कि आप वहाँ से ही बना के लाते हैं, लेकिन इधर हमारा प्योर वेजिटेरियन का लाइव किचन है, हम सब आइटम यहाँ ही बनाते हैं। देखिए कारीगर बना रहे हैं, वहाँ से हम कुछ नहीं लेके आते हैं, सब इधर बनाते हैं। अच्छा, जी फैमिली रूम भी है, आइए आपको दिखा देते हैं। जी नाइट में 12 बजे तक रहते हैं हम, और ये हमारा फैमिली रूम है, आइए आपको दिखा देते हैं। देखिए कुछ इस तरह का हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है। देखिए अपना ये रेस्टोरेंट है, फैमिली रूम है, यहाँ पर नाइट में 12 तक अवेलेबल रहता है। अगर पार्टी वगैरह से हो तो ये टेबल ज्वाइन करके सिंगल रूम बना सकते हैं। जी हाँ जी, नाइट में 12 बजे तक हमारे। जी हाँ जी, और साथ में अटैच वॉशरूम है, इधर वॉश बेसिन है। जी ये हमारा वॉशरूम है, फैमिली वगैरह लेडीज़ वगैरह के लिए कंफर्टेबल है। साथ में बहुत बाकी अपना इंग्लिश सीट है, बहुत प्योर हाइजीनिक है। जी ये हमारा स्टोर रूम है, आइए, क्योंकि हम प्योर वेज बनाते हैं तो छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। ये हमारा स्टोर रूम है, फ्रिज है, और हमारा क्रॉकरी राशन सब डेली आता है, कोई मतलब पहले से नहीं लाया रहता। जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी अभी एक आइटम बन रहा है, तो एक आइटम अभी तैयार हो रही है, वो हम लोग दिखा दें आपको। अच्छा ये क्या बोल रहा है, मसाला पापड़? मसाला पापड़ बन रहा है, इसमें पापड़ को पहले फ्राई किया जाता है, फिर ऊपर से मसाला डाला जाता है। अच्छा मसाला पापड़। ये देखिए लाइव किचन का आपको जो है ना बेनिफिट ये होता है कि आप कभी भी आइए और आपके सामने ही पूरा ये प्रोसेस होता रहेगा फ्रूट का बनते हुए। चलिए आज मसाला पापड़ की रेसिपी देख लेते हैं। मसाला आपने देखा पापड़ तो फ्राई करते हुए, पर अभी ये मसाले के लिए जो भी है कटिंग कर रहे हैं, पहले प्याज। जी कृष्णा जी आप कुछ बताइए आपके बारे में कि कितने साल से आपके पास है? सर मैंने एक्चुअली मैं 10 साल का था, स्कूल वगैरह पढ़ा ही, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, तो शुरू से पापा के साथ में था, तो पूरा इसका नॉलेज ही है कि रेस्टोरेंट कैसे मैनेज करते हैं, कैसे क्या बनता है, क्योंकि मैं एकदम मतलब फ्रेशर था उस टाइम पे। लेकिन आज मैंने ये मतलब अभी ये अपने खुद के दम पे रेस्टोरेंट प्योर वेज का शिफ्ट किया है, मेरे डैड का अंदर वेज है नॉन वेज का है, मेरा इधर प्योर वेजिटेरियन का है।
तो 10 साल से हो ये? हाँ जी, 10 साल के थे तब से याद जी जी, क्योंकि शुरू से मेरा भी इंटरेस्ट रेस्टोरेंट में ही रहा है। अच्छा। पापा का भी था और मेरे जो दादाजी थे उनका भी चावला चौक में पहले भी एक अमृतसर होटल के नाम से था। अच्छा। तो जैसे पापा ने कंटिन्यू किया वैसे ही मैंने कंटिन्यू किया। तो कितने साल हो गए होंगे आपके रेस्टोरेंट को? रेस्टोरेंट को तो 45 ईयर्स प्लस हो गए हैं, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का है, बाकी रेस्टोरेंट को तो 45 से प्लस हो गए। अभी ये मसाला पापड़ बन रहा है, देखिए मसाला पापड़ की मसाला रेडी हो रहा है। ये लो ये भी। ये जा रहे हैं टमाटर इसमें। अच्छा जी, देखिए इस तरह से मसाला पापड़ के लिए मसाला रेडी हो गया जी। और चाहे 2 मंगाओ, चाहे 1 मंगाओ, चाहे 10 मंगाओ, उसका मसाला ऑन द स्पॉट ही बनाया जाएगा। अच्छा, ऐसे जी, पहले से काट के रखने वाला हिसाब नहीं, तो कुछ यहाँ पर तैयारी करके रख देते हैं कि भाई जी कि भाई जैसे ही कस्टमर आएंगे भर के। चलिए दोस्तों, अभी मटर पनीर के लिए हम लोग रेसिपी देख रहे हैं, और ये मटर हो गया, ये मटर आ गया है, ये पनीर आ गया है, और भाई तैयार कर रहे हैं हमारे मटर पनीर अमृतसर होटल में। ये देखिए लाइव किचन है, और लाइव किचन में हो रहा मटर पनीर तैयार। जिस तरह से हम लोग ये वीडियो में देख रहे हैं ना, उस तरह से आप भी आके यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ से आपको फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये देखिए देखा, ग्रेवी तैयार हो गई और मटर और पनीर दोनों आ गए अंदर, और इतनी फास्ट तरीके से रेस्टोरेंट में तैयार होते हैं फूड, क्योंकि पूरी चीज़ें तैयार होती हैं। इससे आप घर पे अगर बनाओगे इतने फास्ट नहीं होगा, पर इनका डेली का है तो इतना जल्दी से ये बना देते हैं और आपको भी प्रोवाइड करते हैं, कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं उनको टाइम नहीं लगना चाहिए, आते हैं और तुरंत ही 15 मिनट के अंदर 10 मिनट में दे दो, तो ये चीज़ होती है। और टेस्ट भी इतना ही होता है, ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट भी इतना ही बढ़िया। आप देख ही रहे होंगे कितनी है बस, अभी ये हो गया रेडी। देखिए मटर पनीर हो गया रेडी कम से 2 से 3 मिनट के अंदर, क्योंकि पूरी चीज़ें जो हुई थी वो तैयार थी। ये हो गया मटर पनीर रेडी रेडी है, ये अभी अंदर टेबल पे जाएगा। ये लीजिए उसका। हाँ, एक मिनट कर दो। चलो चलिए देखिए इस दो। चलिए दोस्तों, यहाँ का मैं आपको एड्रेस दिखा दूँ। ये है गांधीधाम की जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, और सामने दिखाई दे रही है आपको मस्जिद, और यहाँ जाते हैं वो नेशनल हाईवे जा रहा है सीधा बचाऊ और मुंद्रा बचाऊ की तरफ, और ये जा रहा है आपका गांधीधाम की तरफ, और सामने है गांधीधाम होटल, और इसके सामने सीधा ही अमृतसर होटल, और ये अमृतसर होटल, ये देखिए अमृतसर होटल, और ये है ट्रांसपोर्ट नगर बोला जाता है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट नगर। ये देखिए पूरा नज़ारा देख लीजिए, कभी भी आपको आना हो तो ये लोकेशन याद रखिएगा, अमृतसर होटल।